नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नया वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बोट बेसेट्स 242 के ऊपर ये वीडियो है। दोस्तों इस ईयरफोन के ऊपर आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिलेगी, जैसा वाटर टेस्ट, पबजी टेस्ट, बीजीएमआई टेस्ट, बहुत सारा वीडियो मिलेगी, गेम टेस्ट। बेस बहुत अच्छा है लोग बोले हैं, लेकिन वो बेस किस तरीके का है वो शायद आपको किसी ने बताया नहीं। तो इस ईयरफोन का बेस कैसा है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे जो डीप बेस वाला ईयरफोन है उसके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताएं आपको यह वीडियो ट्रिक कैसा लगा। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन और मैं हूं आपका दोस्त सुब्रत। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने के पहले जैसे मैं आपको बताया हूं कि ये बोट बेसेट्स 242 के साथ हम कंपेयर करके दिखाएंगे आपको कि कौन सा हेडफोन का डीप बेस अच्छा होता है और इस ईयरफोन पे कौन सा बेस है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसा है, ये जो आपका ईयरफोन है, ये बोट बेसेट जो ईयरफोन है, ये ईयरफोन का अनबॉक्सिंग पहले हम कर लेते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये नया ही है, ये देख पा रहे हैं आप, ये सील पैक ही है। तो इसका अनबॉक्सिंग करके हम आपको दिखा रहे हैं, अनबॉक्सिंग के बाद हम आपको दोस्तों दिखाएंगे कंपेयर करके कि ये जो बोट बेसेट है सही में इसका बेस सही है कि नहीं। तो दोस्तों ये है बोट बेसेट्स 242, इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। यहां पे इसको इस तरह से ओपन करते हैं और यहाँ से इसको करते हैं ओपन। ये देख पा रहे हैं आप, बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पाउच कवर, जिसको आप इसके अंदर डाल के आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये पाउच कवर थोड़ा वेलवेट कपड़ा की है और काफ़ी अच्छा तरीके से ये बना हुआ है, देख पा रहे हैं। और यहाँ पे दो वायर दिया हुआ है, इसको टान के आप ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसको करते हैं साइड, यहाँ पे आपको मिल जाता है ये बास हेड्स और यहाँ पे कुछ आपको या टिप्स दिया हुआ है, कुछ छोटा दिया हुआ है, कान के हिसाब से आपका अगर फिट होता है तो आप छोटा लगा सकते हैं या बड़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो 10 mm ड्राइवर के लिए लगा हुआ है, ये नॉर्मली 10 mm ड्राइवर के लिए बड़ा वाला ही लगा हुआ है। आप दोस्तों यहाँ पर इसको करते हैं ओपन, तो इसको ओपन कर लिए। यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है IMA बोट हेड, ये स्टिकर एक तो मिल जाता है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक मिल जाता है बुक, जिस बुक पे आपको यहाँ पे कुछ बोट का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और इसके साथ यहाँ पे मिलता है 1 ईयर वारंटी का कार्ड, 1 ईयर वारंटी में है। और यहाँ पे गिव ए मिस्ड कॉल और यू हैव टू एक्टिवेट योर प्रोडक्ट्स वारंटी, इस नंबर पे अगर आप मिस कॉल देंगे तो आपका वारंटी एक्टिवेट होना शुरू होगा, ठीक है। दोस्तों इसको करते हैं साइड, आते हैं मेन पार्ट में। ये जो है दोस्तों, ये देखिए आप टेंगल फ्री है, इसलिए ये बहुत आसान तरीके से ये ओपन हो जाता है आपका ये वो बासेट्स। और ये जो है दोस्तों, ये स्टीरियो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दो ठो आपका पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं आप, ये स्टीरियो है, नहीं तो एक सिंगल रहता है तो मोनो होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये है आपका 10 mm ड्राइवर का बस हेड ईयरफोन और ये काफ़ी सॉफ्ट है दोस्तों, ये कान पे बहुत आसानी से फिट हो जाता है। और ये नॉइस कैंसलेशन है इसमें, बाहर का साउंड कोई भी अंदर नहीं आता है। और ये जो वायर है काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से ये बना हुआ है, इसके ऊपर जो रबर बैंड है तो ये बहुत सॉफ्ट है और ये आपका स्वेट फ्री है और IP68 इसका सपोर्टेड है, यानी IP68 सर्टिफाइड है। ये देख पा रहे हैं आपको एक बटन मिल जाता है, जहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ये जो बटन है आपका कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए या कॉल करने के लिए। और ये प्लस माइनस दिया हुआ है, वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है। और ये काफ़ी ग्लॉस दिख रहा है ये फिनिश, लेकिन ये प्लास्टिक से बना हुआ है। और ये भी जो है आपका, ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है दोस्तों। ये बहुत लाइट वेटेड ईयरफोन है दोस्तों, और ये बहुत लाइट वेट होने के कारण आपका कान पर रहता है कि नहीं रहता ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन नॉइज़ फ्री जैसा है, तो आप कान पर अगर डाल दिए इसको तो आपका बाहर का नॉइज एकदम सुनाई नहीं देता है, बिलीव मी। ये नॉइज कैंसलेशन 100% इसमें दिया हुआ है। आपका शर्ट के ऊपर ये आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप इसको डाल देंगे और डालने के बाद ये क्लिप को आप यूज़ कर सकते हैं आपका शर्ट में लगाने के लिए। तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग, तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस के बारे में। तो दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए, हेडफोन दो तरह के होता है, एक इन ईयर होता है और एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो ईयरफोन होता है वो आप देखे होंगे, जो हम लोगों का पहले मोबाइल के साथ फ्री में मिलता था। अभी जो मोबाइल के साथ आ रहा है वो इन ईयर हेडफोन ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बेस के बारे में बात कर,
करते हैं। नॉर्मल जो हेडफोन होता है उसमें तो बेस नहीं रहता है, जीरो रहता है, ये समझ लीजिए। उससे ज्यादा अच्छा होता है इन ईयर हेडफोन। इन ईयर हेडफोन पे बहुत सारे नया नया फीचर्स आ चुका है, जैसे नॉइस कैंसलेशन हो गया, डीप बेस हो गया, और उसके साथ अभी जुड़ा हुआ है थंब बेस। दोस्तों ये थंब बेस जो है ना, ये बेस आपको समझ में आएगा, सिर्फ बेस है इसमें, लेकिन डीप बेस जो होता है वो सिनेमेटिक तरीके से आपको डिलीवर किया जाता है। कुछ कुछ स्पेशल आपका जितना भी बासेट्स होता है, जैसे कि ये बासेट्स है, उसमें रहता है। लेकिन दोस्तों बिलीव मी, ये जो आपका बोट का जो ये जो है, ये बासेट्स जो है, ये बासेट्स में थंब बेस दिया गया है। इसमें डीप बेस लिखा हुआ है लेकिन इसमें डीप बेस नहीं है दोस्तों। ये बेस को हम टेस्ट किए हैं बहुत सारे गाने में, इंग्लिश गाने में, हिंदी गाने में, तो यहाँ पे बेस जो मेरे को समझ में आया, ये थंब बेस समझ में आया। सिर्फ आपको फील होगा कि बेस है लेकिन उसमें ज्यादा कुछ बेस नहीं है। ट्रेबल्स इसमें इतना ज्यादा है क्योंकि आप 30-40 वॉल्यूम पे आप जो सुन सकते हैं उसके बाद आप नहीं सुन सकते, बहुत कान पे दर्द होता है। ये बोट बेस एट्स 242 में थंब बेस दिया गया है, ठीक है, समझ लीजिए। तो ये बोट बेस एट्स पे आपका थंब बेस है। अभी हम आपको बताते हैं कि इसका जो रेंज है दोस्तों, ये 500 पे आता है। ये जो बोट का बास एट्स है, ये 500 का रेंज पे आपको मिल जाएगा कोई भी ऑनलाइन शॉप से। अगर आप इसे नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन सा हेडफोन खरीदना चाहिए दोस्तों? इससे अगर आप 200-300 रुपए ज्यादा देते हैं तो आपको पैनासोनिक का एक हेडफोन मिल जाता है। तो दोस्तों ये है मेरे पास पैनासोनिक का हेडफोन, जो है आपका इन ईयर हेडफोन। आपको समझ में आ रहा है, ये देख पा रहे हैं आप, ये इन ईयर हेडफोन ही है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का है और रेड कलर का है। ये रेड कलर बहुत पुराना है, ये मोटा मोटी 5-6 साल पुराना है, और ये मोटा मोटी 3-4 साल पुराना है, ये जो ब्लैक कलर का है। तो ये जो है दोस्तों, ये पैनासोनिक का है, और ये पैनासोनिक का हम खरीदे थे मोटा मोटी 850-900 रुपए में। ये जो पैनासोनिक का हेडफोन है, इसमें आप डीप बेस आपको मिलेगा दोस्तों। इस पैनासोनिक का ईयरफोन में आपको डीप बेस मिलता है। अगर आप बिलीव नहीं करते, जब तक ना सुनेंगे आप बिलीव नहीं करोगे। मेरा इस वीडियो में अगर ऑप्शन मिलता है कि इसका साउंड कैसे भी आपको सुना देते तो हम जरूर सुनाते, लेकिन दोस्तों इसका साउंड हम सुना नहीं सकते। आप अगर मार्केट में मेरा ये वीडियो देखते हुए पैनासोनिक का ये हेडफोन खरीदे तो तभी आपको समझ में आएगा कि ये हेडफोन का खासियत क्या है। 800 रुपए में जो बेस मिलता है ना दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे। JBL इन्फिनिटी ये सब का जो मॉडल है, वो मॉडल से भी तगड़ा बेस इस पैनासोनिक का हेडफोन में मिलता है दोस्तों। आप लोग सर्च करोगे पैनासोनिक का ईयरफोन बोल के अमेज़न या फ्लिपकार्ट में, आपको मिल जाएगा। नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से जाके भी आप परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो है, ये काफी पुराना मॉडल का हेडफोन है, लेकिन ये जो हेडफोन है इसमें एक दिक्कत है, ये जो वायर है आपका टैंगल फ्री नहीं है। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये आप देख ही पा रहे थे जब मैं तो वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, ये जो वायर है ये टैंगल फ्री नहीं है, जुड़ जाता है, इसको खोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, ये वायर जो केबिल है, ठीक है। लेकिन ये बासेट जो है, ये दोस्तों टैंगल फ्री है, ये एक फायदा है, और ये कभी जुड़ नहीं जाता है। इसको आप आराम से कहीं पर रख सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो ड्राइवर है, यानी जो ये जो स्पीकर है इसके अंदर, वो है 8-9 mm का ड्राइवर है, ठीक है। और ये जो बोट बासेट्स का जो ड्राइवर है दोस्तों, इसमें है 10 mm का ड्राइवर। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता है, 10 mm का ड्राइवर में आपको जो बेस नहीं मिलता है, वो चीज पैनासोनिक ये 8-9 mm ड्राइवर का इन ईयर हेडफोन पे दे देता है। कमाल है दोस्तों, ये जो बेस हेड दिया हुआ है नाम, लेकिन बेस नहीं मिलता है। और ये पैनासोनिक का जो ईयरफोन है, इसमें डीप बेस इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डीप बेस प्रॉपर तरीके से आपके पास डिलीवर होता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, मैं फिर भी बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा। इसके बाद मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा कि बोट का जो ये जो प्राइस में आ रहा है रेंज में, इसमें आपका माइक है, लेकिन मेरा जो पैनासोनिक का हेडफोन है, हम आपको फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए पैनासोनिक का जो हेडफोन, इसमें कोई माइक नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी माइक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस ज्यादा है, 800 रुपया है, और 500 रुपया में आपको वो बोट का हेडफोन मिल रहा है। हेलो दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि मेरा हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।